हेलो देयर, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चा लोग, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स का पार्ट 4 चल रहा है और इस कंटेंट में, इस वाले एपिसोड में या इस वाले लेक्चर में हम लोग कुछ पॉइंट्स को ही कवर करेंगे जो कि एकदम प्रॉपर तरीके से आप लोग को उस कॉन्सेप्ट का नॉलेज दे देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्या करते हैं, फटाक से शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो पहले तो देखना है बच्चा हम लोग को क्या देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो याद रखना, ग्राफियन फॉलिकल ये कोई भी टाइप का वो नहीं है, क्या कहेंगे इसको, ये कोई भी टाइप का अपना ओवम नहीं है, डेवलप्ड ओवम ये नहीं है। ग्राफियन फॉलिकल ये एक स्टेज है मैच्योर ओवम बनने से पहले की, ये बात अच्छे से याद रखना है गुरु। तो ग्राफियन फॉलिकल ना बच्चों, देखो क्या याद रखना है हमको, ग्राफियन फॉलिकल के कुछ फॉलोइंग लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ फॉलोइंग लेयर्स होते हैं। किसके लेयर्स होते हैं भाई, ग्राफियन फॉलिकल के। अब ये कैसे लेयर्स होते हैं सबसे पहले समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक बड़ा सा गोल बनाएंगे अंदर, है ना। ये जो गोल होगा ना बच्चों, एक मिनट पहले क्या करते हैं, अच्छा वाला बनाते हैं एकदम, ठीक है। मार्कर की साइज थोड़ी कम करेंगे ऐसी, और अब देखो बच्चों, पहले तो एक बड़ा गोल बनाएंगे, उसमें एक ऐसे छोटा गोल बनाएंगे। इसका मतलब आपको मैं ये गाइडलाइंस बता रहा हूँ कैसे बनाना चाहिए डायग्राम्स, ठीक है। एक बड़ा गोल बनाने का, एक छोटा गोल बनाने का। अब ये बड़े गोल के बाजू में देखो बच्चों मैं क्या लगा रहा हूँ, ऐसे देखो इस टाइप के सेल्स लगा रहा हूँ, है ना। ये जो सेल्स है ना, ये वाले जो सेल्स मैं लगा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट बनाऊंगा, ठीक है। ये वाले जो सेल्स मैं येल्लो कलर के लगा रहा हूँ, ये येल्लो कलर के जो सेल्स है ना मेरे बच्चों, ये होते हैं थीका एक्सटर्ना। क्या होते हैं ये, थीका एक्सटर्ना। अभी सबके तुमको फंक्शंस भी पता चलेंगे, टेंशन लेने का नहीं, एकदम मस्त रहने का, बिंदास रहने का, और कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से गुरु लोग ध्यान देने का, एकदम भारी वाला ध्यान देने का, ठीक है। तो एक बात अच्छे से रखो याद, ये जो सेल की लेयर जो मैंने बनाई बच्चा लोग, ये जो मैंने सेल्स की लेयर बनाई वो क्या है, ये है थीका एक्सटर्ना। कौन सी सेल की लेयर है ये है थीका एक्सटर्ना। देखो ये येल्लो कलर की जो लेयर दिख रही है ना, ये जो येल्लो कलर की लेयर है, ये है थीका एक्सटर्ना की लेयर। कौन सी लेयर है, थीका एक्सटर्ना की लेयर। अच्छे से याद रखना है, ये लेयर होती है थीका एक्सटर्ना की, ठीक है। ये लेयर किसकी है, थीका एक्सटर्ना की हमने बना दिया। अब इसके अंदर जो लेयर होगी, इसके अंदर जो लेयर होगी वो होगी थीका इंटरना की। कौन सी लेयर होगी, थीका इंटरना की। तो देखो इसको मैं अलग कलर से बताता हूँ, मान लेते हैं हम इसको ब्लू कलर से दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब देखो ये आइसोलेटेड भी दिखेगा और दिख के आएगा आप लोग को, ठीक है। अब ये जो लेयर्स है ना बच्चों, ये जो सेल्स है, एक्चुअली इनको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। कौन से सेल्स होते हैं ये होते हैं फॉलिकुलर सेल्स, और ये फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ये जो मैं बना रहा हूँ ब्लू कलर से, वो थीका इंटरना होती है बच्चों। अब ये थीका इंटरना का काम क्या होता है पता है क्या, एक तो ये वैस्क्यूलर लेयर होती है। वैस्क्यूलर का मतलब क्या होता है, इसके पास ब्लड सप्लाई होगा, ठीक है। क्या होगा, ब्लड सप्लाई। देखो मैं यहाँ पे और एक लेयर बना रहा हूँ ऐसी, है ना, थीका इंटरना की। इसके पास खुद का ब्लड सप्लाई भी होगा, प्लस बच्चों एक काम करेगी ये एक फीमेल हार्मोन बनाएगी जिसका नाम होता है ईस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन होता है बच्चों, ये ईस्ट्रोजन होता है। देखो दिख रहा होगा शायद आपको बहुत अच्छे से, ये डायग्राम मैं आपको शो कर रहा हूँ कि एग्जाम में भी आपको कैसे बनाना है, ऐसे बनी बनाई डायग्राम पे नहीं काम कर रहा हूँ बच्चों। उसमें फिर क्या होता है पता है क्या, वो फील नहीं आता और बच्चों को पता ही नहीं रहता कि डायग्राम बनाने की कैसी है ना। तो देखो बच्चों ये ऐसे बनाने का क्या करा हमने, सिर्फ दो गोल बनाए और दो गोल के अंदर इतने सारे झोल बना दिए, है कि नहीं। तो ये होता है बच्चों, ये जो दिखाया मैंने आपको, ये जो ब्लू कलर की लेयर है वो थीका इंटरना की लेयर है, और येल्लो कलर की जो लेयर है वो थीका एक्सटर्ना की लेयर है। जैसे देखो यहां पे मैं बताता हूं, ये है थीका एक्सटर्ना, है ना, थीका एक्सटर्ना। अंदर वाली लेयर है थीका इंटरना, है ना, अंदर वाली लेयर है थीका एक्सटर्ना, इसके बाद थीका एक्सटर्ना, और उसके अंदर लेयर है थीका इंटरना। इसके बाद में देखो बच्चों, ये वाला जो सेल दिख रहा है क्या आपको, देखो ये वाला जो, इसको थोड़ा मैं क्या करता हूँ, अलग कोड कर देता हूँ ताकि आप लोग को फिर से आइसोलेट हो जाए। ये जो ओवम को चिपके हुए लेयर दिख रहे हैं ना आपको बच्चों,
दिख रहा है ना ये मैं पिंक कलर से थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप लोग को आइसोलेट हो जाए वो अच्छे से, है ना, शायद आप लोग को बहुत अच्छे से आइसोलेट हो जाए। तो ये जो सामने जो लेयर है इसको हम बोलते हैं, जो कि किससे सटकर है, देखो किसके किससे सटकर है, ये एकदम ये सटकर है हमारे ओवम के साथ में चिपके हुए हैं, है ना, ओवम के साथ में ये चिपके हुए हैं। और इसी स्ट्रक्चर को मेरे बच्चों कहा जाता है डिस्कस, सॉरी अपना कोरोना रेडिएटा। क्या कहा जाता है? कोरोना रेडिएटा। ये वो सेल्स होंगे, ये वो सेल्स होंगे जो किससे चिपक कर रहेंगे बच्चों, ये ओवम से एडहियर्ड रहेंगे। किससे एडहियर्ड रहेंगे? ओवम से एडहियर्ड रहेंगे, एक बात याद रखना अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो अंदर है, जो ये मैं न्यूक्लियस बता रहा हूँ, अरे सॉरी, हाँ वाइट कलर से बताएंगे, ये जो दिख रहा है ना, ये अंदर जो सेल है जिसका मैं न्यूक्लियस बता रहा हूँ, ये है ऊसाइट। क्या है बच्चों? ये है ऊसाइट, ठीक है। क्या ये? ये एक ऊसाइट है, ठीक है, एक बात अच्छे से याद रखना, ये एक ऊसाइट है। और इसके अंदर ये जो कैविटी दिख रही है ना आपको, ये और ये कैसे आ गया, ये जो कैविटी दिख रही है इसको हम बोलते हैं बच्चों एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। इस कैविटी को बोला जाता है एंट्रम, ठीक है, ये बात अच्छे से आप लोग ने याद रखनी है। फिर यहां पे देखो ये वाला पार्ट जो है, ये क्या है हमारा? कोरोना, गो गो कोरोना, कोरोना रेडिएटा। व्हाट इट इज बेटा? इट इज कोरोना रेडिएटा। और ये एक पर्टिकुलर हमारा जो है, ये क्या बोलेंगे इसको, ये हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल है कुछ इस प्रकार से देखा जा सकता है। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को अगर मैं एक और बार हम लोग इसको एक्सप्लेन करें, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करते हैं, अब देखो इसको थोड़ा सा ऐसे साइड में लेते हैं और इसको ऐसे पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफियन फॉलिकल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ग्राफियन फॉलिकल की बात करूं तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में सिंपली, एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, कुछ तो हवा में कुछ तो है, ठीक है। अब याद रखना है आपको, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में इसके अंदर एक इसेंट्रिक ऊसाइट होता है, ठीक है, क्या होता है? इट हैव, देखो, इट हैव एन इसेंट्रिक ऊसाइट, है ना, क्या होता है इसके पास में? इसेंट्रिक ऊसाइट इसमें होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? इसमें होता है इसेंट्रिक ऊसाइट, और ये सराउंडेड होता है फॉलिक जोना पेल्यूसिडा से। किससे सराउंडेड होता है? जोना पेल्यूसिडा से। लगे हाथ आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओवम भी बताऊंगा, ठीक है। नाउ दिस ऊसाइट इज सराउंडेड बाय, इट इज सराउंडेड बाय, देखो, इट इज सराउंडेड बाय, इट इज विच इट, who is surrounded? This oocyte is surrounded, ठीक है, surrounded by zona pellucida, ठीक है, it is surrounded by zona pellucida, oocyte is surrounded by zona pellucida। अब जो oocyte का जो membrane होता है ना, उसको vitelline membrane बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? vitelline membrane बोलते हैं, membrane of oocyte, देखो membrane ऑफ ऊसाइट, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे विटेलाइन, देखो विटेलाइन मेम्ब्रेन, ओके, इसको बोला जाता है विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये बात याद रखने की है आप लोग को बच्चों, इसको बोला जाता है विटेलाइन मेम्ब्रेन। अब एक ग्राफियन फॉलिकल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दो फॉलिकल्स, दो टाइप के फॉलिकल्स आ सकते हैं। तो ऊसाइट को मैं सिंपली बोलता हूं, ऊसाइट is completely surrounded by, देखो completely surrounded by, देखो oocyte is completely surrounded by many follicular cell layers। किससे surrounded होता है बच्चों ये? इट इज सराउंडेड बाय मैनी फॉलिकुलर सेल लेयर्स। ये बात अच्छे से आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। और अब देखो ग्राफियन फॉलिकल्स की लेयर, देखो ग्राफियन फॉलिकल्स की लेयर,
ग्राफियन फॉलिकल्स की जो लेयर है ना बच्चों, ये देखो ये दो टाइप की होती है, एक तो होगी थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना है ना, एक्सटर्ना, और दूसरी लेयर होती है बच्चों थीका इंटरना है ना, थीका इंटरना, क्या कहेंगे इसको, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना। इसमें से जो इंटरना होती है ना बच्चों, ये वैस्क्यूलर होती है। कैसी होती है, वैस्क्यूलर होती है, और ये वैस्क्यूलर होने की वजह से एक और चीज बनाती है बच्चों, ये बनाती है इस्ट्रोजन। क्या बनाती है ये लेयर, इस्ट्रोजन। अब इस्ट्रोजन का काम अपन पिछले वीडियोस में ही देख चुके हैं बच्चों, इस्ट्रोजन का काम क्या होता है, इस्ट्रोजन का काम होता है सिंपल वाला, कि भाई ये सिंपल क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल में बताएगा, क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ये फीमेल में बनाएगा, ठीक है, बनाएगा मतलब डेवलप करेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको अलग मार्कर से, डेवलप्स, देखो डेवलप्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, देखो कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। उसके बाद बच्चों, उसके बाद याद रखना, उसके बाद बहुत अच्छे से याद रखना कि जो ग्राफियन फॉली, जो फॉलिकुलर सेल्स किसको चिपके हुए हैं, ऊसाइट को, ठीक है, तो उसको क्या बोलना पड़ता है हम लोग को, कोरोना, देखो कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, सेल्स, सेल्स अटैच्ड टू, देखो सेल्स अटैच्ड टू ऊसाइट, ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है, इनको हम कहेंगे बच्चों कोरोना रेडिएटा। और उसके बाद में ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को, देखो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं, क्यूमुलस ऊफेरस, क्या बोल सकते हैं, क्यूमुलस ऊफेरस हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये बात अपने अच्छे से याद रखना है बच्चों। इसमें फिर ग्राफियन फॉलिकल में कैविटी भी होती है बच्चों, क्या होती है, ग्राफियन फॉलिकल में एक कैविटी भी होती है, इनसाइड ग्राफियन फॉलिकल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कैविटी, है ना, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ, देखो प्रेजेंस ऑफ कैविटी। अब इसी कैविटी को हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉल्ड एज एंट्रम, क्या बोलते हैं, एंट्रम। और ये जो एंट्रम है, ये एंट्रल फ्लूइड से भरा हुआ होता है, एंट्रम इज फिल्ड विथ, देखो फिल्ड विथ लिकर फॉलिक्यूलाई, किससे भरा रहता है, लिकर फॉलिक्यूलाई, इस फ्लूइड का नाम होता है बच्चों ये, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखना है बच्चों, और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है फटाक से, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत सारे डायग्राम वगैरह मैं बनाते ही रहता हूँ, ठीक है, और उसकी गाइडलाइंस भी आप लोग को समझ में आ जाती होगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट वाला, हमारा जो इंटरनल जेनाइटल था, इंटरनल जेनाइटल में सबसे पहला कौन सा देख लिया हमने, ओविडक्ट, सॉरी ओवरीज देखा। अब ओवरीज के बाद जो सेकंड चीज देखने वाले हैं, उसके लिए आपको पुराना वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। ओवरीज के बाद जो हम लोग देखने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों ओविडक्ट। ओविडक्ट का ही अल्टरनेट नाम क्या होता है, देखो अल्टरनेट नाम मतलब वही, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, देखो फैलोपियन ट्यूब, क्या बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब, है ना, इसी को क्या बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब, क्या बोला जाता है बच्चा, फैलोपियन ट्यूब। याद रखना इसकी लेंथ सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, 12 से लेके कितनी, 12 से 13 सेंटीमीटर के आसपास रहेगी, या फिर 10 टू 12 सेंटीमीटर, हमारी टेक्स्ट बुक क्या बोलती है, 10 टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो याद रखना एवरेज लेंथ इसकी होगी मतलब 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, है ना, कैसी लेंथ होती है भाई, 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, मैं फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम बनाता हूँ, मान लो ये हमारा ओवरी है, हमारा मतलब फीमेल का ओवरी है, ठीक है, मान लेते हैं ये ओवरी है, ओके। अब इसके ऊपर देखो ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखेंगे, दिख रहा है ना ये, इस तरह आपको ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये कुछ इस तरह हमारे मतलब यूटेरस तक जाती है, दिख रहा है ना ये ऐसे, और ये आगे समझो मान लेते हैं ये यूटेरस है,
और ये ओवरी एक लिगामेंट से कनेक्टेड है, ये जो येल्लो दिख रहा है ना येल्लो कलर, इसको इसको मैं बोलूंगा ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलूंगा मेरे बच्चों? ओवेरियन लिगामेंट बोलूंगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको इस पे नजर लगाते हैं, ठीक है, इस पे नजर लगाते हैं थोड़ा। ये क्या है? ये है ओवरी, है ना। ओवरी से अटैच ये जो लंबी सी ट्यूब दिख रही है ना, इसको बोला जाता है बच्चों ओविडक्ट। अब याद रखना है आपको, ओविडक्ट के अंदर जो ये सेल्स होते हैं ना बच्चों, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये ऐसे मैं बना रहा हूं सेल, और इसके ऊपर ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इन्हीं सेल्स के ऊपर ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और इन्हीं बाल जैसे स्ट्रक्चर्स को सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। इसको मैं फिर भी रब करता हूँ और एक अच्छा वाला डायग्राम बनाता हूँ आप लोग के लिए, ताकि चीज़ें आपको और सॉर्ट आउट लगे, सॉर्टेड लगे एकदम, ठीक है। सॉर्टेड चीज़ें ज़्यादा जल्दी से समझ में आती है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे? यूटरस बनाएंगे, ठीक है। देखो ये ऐसा, ये ऐसे मैंने क्या बना दिया? यूटेरस बना दिया। पूरा यूटेरस नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ फैलोपियन ट्यूब का ही काम है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे मैं इसकी ओपनिंग बता देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो बच्चों, ये ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन बनाऊंगा, और उसको ऐसे सामने से ऐसे बैंगन जैसी कोई चीज जोड़ दूंगा, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम? ओवेरियन लिगामेंट लगा देंगे, ठीक है। अब देखो ये जो है, ये जो फनल जैसा पार्ट दिख रहा है ना आपको, उसको क्या बोलते हैं ये अभी बताता हूँ। लेकिन उसके पहले याद रखना कि जो ओवरी है, इसके कितने ओविडक्ट है, इसके थ्री पार्ट्स होते हैं। कितने? थ्री पार्ट्स होते हैं। अब ये थ्री पार्ट्स कौन से बच्चों? सबसे पहले तो है हमारा इन्फंडिब्यूलम, है ना, इन्फंडिब्यूलम, है ना, इन्फंडिब्यूलम। दूसरा वाला पार्ट कौन सा है मेरे बच्चों? दूसरा वाला पार्ट आएगा अपना एम्प्यूला। क्या आएगा? एम्प्यूला। एम्प्यूला के बाद जो तीसरा वाला पार्ट आएगा हमारा, आएगा इस्थमस। इस्थमस, है ना। अब इसमें पढ़ने जैसी कौन सी चीज है? इनफंडिब्यूलम देखो ये क्या होता है? फनल लाइक पार्ट होता है। कैसा होता है भाई? फनल लाइक पार्ट। कैसा पार्ट होगा? इट इज फनल लाइक पार्ट। इसके ही ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे ना, दिख रहा है ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसके ही ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखेंगे, है ना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको इसी के ऊपर दिखेंगे, और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बच्चा लोग हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया, है ना। इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहा जाता है फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया किसको बोलते हैं? अब फिम्ब्रिया के अंदर, फिम्ब्रिया हैव ऑस्टिया। अब ऑस्टिया क्या होता है बच्चों? ये एक पोर होता है, और ओवम जो है ऊसाइट एंटर्स थ्रू ऑस्टिया। ये बात अच्छे से याद रखनी है अपने, कि जो पोर है ऑस्टिया से क्या एंटर करता है? जो अपना ऊसाइट है ये कहां से एंटर करेगा? ऑस्टिया से एंटर करेगा। ये बात आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। एम्प्यूला जो रीजन होता है ना बच्चों, ये होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला होता है, मतलब ओवम और स्पर्म का संगम यहीं पे होगा, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इस्थमस क्या होता है बच्चों? कनेक्शन बिटवीन, देखो कनेक्शन बिटवीन ओविडक्ट एंड यूटेरस, ठीक है। इट इज कनेक्शन बिटवीन ओविडक्ट एंड यूटेरस। ये आप लोग को छोटी सी चीज याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। इस्थमस को ही अल्टरनेटिवली कॉर्नुआ कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? कॉर्नुआ, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखना है, और इसका स्क्रीनशॉट भी फटाक से ले लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो देखने वाले हैं ना मेरे बच्चों, हम लोग इसके बाद जो देखने वाले हैं उसका नाम है यूटेरस, ठीक है। क्या नाम है इसका बच्चों? यूटेरस। सबसे पहले यूटेरस कैसा होता है?
देखो यूटेरस होता है हॉलो, क्या याद रखना है भाई, हॉलो है, फिर मस्क्यूलर है ना, कैसा है, मस्क्यूलर है, हॉलो है, मस्क्यूलर है, फिर उसके बाद में इसके डिमेंशंस याद रखने हैं, क्या है इसके डिमेंशंस, 7.5 सेंटीमीटर लेंथ में, है ना, 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ है और 2.5 सेंटीमीटर इसका बच्चा थिकनेस है ना, 2.5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है। अब इसको याद रखो बच्चों एक चीज अच्छे से याद रखना कि इसके जो यूटेरस की वॉल है, यूटेरस की जो वॉल है, देखो मैं यहां लिखता हूं यूटेरस वॉल, यूटेरस वॉल ये एक्चुअली कितने, 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है, 3 लेयर्स, अभी मैं वहां ड्रॉ भी करके बताऊंगा आपको यूटेरस की वॉल कितने, 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि बाहर की लेयर है पेरीमेट्रियम, देखो पेरीमेट्रियम, उसके बाद आएगी बच्चों मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और लास्ट वाली होगी बच्चों एंडोमेट्रियम, है ना, एंडोमेट्रियम। कितने लेयर है भाई, 3 लेयर है ना, सबसे पहले क्या है पेरीमेट्रियम, फिर है मायोमेट्रियम और उसके बाद है एंडोमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम जो है ये आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है, कैसी है भाई, आउटर मोस्ट है ना, पेरीमेट्रियम ये आउटर मोस्ट लेयर है। मायोमेट्रियम याद रखना ये मस्क्यूलर लेयर होती है बच्चों, ठीक है, मस्क्यूलर होती है लेयर और लेबर पेन्स के दौरान इसी का कॉन्ट्रैक्शन होता है, किससे बनी होगी, स्मूद मसल से, किससे बनी होगी, स्मूद मसल से, ठीक है। मायोमेट्रियम किससे बनी होगी, स्मूद मसल से, ये बात आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। और लास्ट में जो एंडोमेट्रियम होगी वो सेल्स से बनी होगी बच्चों, सेल्यूलर होगी ये, ठीक है, सेल्यूलर होगी, यहीं पे इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन साइट, ठीक है, इम्प्लांटेशन साइट मतलब इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसी को आप एंडोमेट्रियम को ही क्या बोल सकते हो, म्यूकोजल मेम्ब्रेन, म्यूकोजल मेम्ब्रेन, इसी को आप क्या बोल सकते हो, म्यूकोजल मेम्ब्रेन, और इसी के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं, अंडरगोज, देखो यहां लिख देता हूं मैं अंडरगोज, अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस, ठीक है, अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइक्लिक चेंजेस इसमें होते रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। अब इसका समझो डायग्राम अगर बोले हम लोग बच्चों, तो देखो सबसे पहले दिखाएंगे बाहर की लेयर जो कि ऐसी बेचारी नॉर्मल सी है एकदम, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना बच्चों मैं एकदम मोटी वाली लेयर बनाऊंगा, मान लेते कैसे पिंक कलर की बनाएंगे, चलो अरे अलग ही आ गया नहीं, देखो ये थोड़ा मोटा लेयर बनाएंगे, ये वाला कौन सा है बच्चों, वो पिछली वाली कौन सी थी, पेरीमेट्रियम, अब ये वाली जो बनी ना ये बड़ी वाली एकदम अट्रैक्टिव, जबरदस्त है, ऐसी वाली लेयर जो बन रही है ना ये मोटी लेयर, मसल्स की लेयर, देखो ना मसल वाली बात है भाई, मसल्स वाली बात है, ये होती है मायोमेट्रियम। और एक लेयर में बनाऊंगा बच्चों, देखो ब्लू कलर से ऐसी इस तरह से, है ना, सेल सेल जैसी बनाऊंगा, दिख रहा है ना आपको, सेल जैसा टेक्सचर, कुछ सेलुलर टेक्सचर ही आ रहा है, तो बच्चा लोग इसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम, क्या बोला जाता है, एंडोमेट्रियम। इसको अब लेबलिंग कर लेते हैं, सबसे बाहर वाली पेरी मेट्रियम, अंदर मायो मेट्रियम, है ना, और सबसे अंदर वाली एंडो मेट्रियम,
ठीक है, ये होता है पूरा का पूरा यूटेरस। अब यूटेरस के इनऑल कितने पार्ट होते हैं बच्चों, अगर मैं सिर्फ यूटेरस की बात करूँ ना, इसको ऐसे बनाएंगे, चलो ऐसे, ये ठीक है, और ये अपनी फैलोपियन ट्यूब है, उसको छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो देखो ये जो डोम लाइक पार्ट दिख रहा ना, ये वाला, ये इसको बच्चों फंडस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फंडस, ठीक है, फंडस, इट इज कॉल्ड एज फंडस। व्हाट इज फंडस? फंडस ये अपर डोम शेप होता है, ठीक है, याद रखना ये कैसा होता है बच्चों, डोम शेप होता है। कैसा होता है? डोम शेप, है ना, डोम शेप्ड होता है, ये बात आप लोग को अच्छे से याद रखना है। और एक और चीज याद रखना है, इट इज साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या होता है भाई? ये साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, इट इज साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ये बात अच्छे से याद रखना है। फिर ये दिख रहा है ना मिडल पार्ट, इसको बोला जाता है बच्चों बॉडी। क्या बोला जाता है? बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऐसी है कि ओपनिंग दिखेगी आपको, ये जो दिख रही है ना, ये इसी रीजन को हम बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। सिंपली अगर बोला जाए तो ओपनिंग ऑफ, देखो ओपनिंग ऑफ यूटेरस, है ना, यहीं से बेबी जो है वेजाइना में कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर इसके बाद याद रखना है सर्विक्स के ऊपर ये जो ओपनिंग है ना, इट इज गार्डेड बाय, गार्डेड, देखो गार्डेड बाय, कि कौन गार्ड करता है इसको? इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओएस, गार्डेड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओएस, ठीक है, ये बात याद रखना। और ये है पूरी की पूरी कहानी किसकी? हमारे यूटेरस की। किसकी? यूटेरस की कहानी। इसके बाद जो है बच्चा लोग, इसके बाद है वेजाइना। क्या है? वेजाइना, ओके। तो वेजाइना के बारे में देखते हैं, जरा पढ़ते हैं भाई वेजाइना। वेजाइना ये याद रखने वाली बात है बच्चों, हाईली इलास्टिक पोर्शन होगा, मतलब फ्लेक्सिबल रीजन होगा, 7 से लेके 9 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, कितना? 7 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर उसके बाद आप क्या ऐड कर सकते हो इसमें? इसमें एक और चीज याद रखना है, हाईली फ्लेक्सिबल बोलो या हाईली डाइस्टेंसिबल बोलो, ठीक है, इट इज डाइस्टेंसिबल, ठीक है, डाइस्टेंसिबल। कैसा होता है ये? इट इज डाइस्टेंसिबल, 9 सेंटीमीटर तक लंबा। फिर डाइस्टेंसिबल होगा कहां पे? होता है सर्विक्स और वेस्टिब्यूल के बीच में, लाइज बिटवीन सर्विक्स एंड वेस्टिब्यूल, लाइज बिटवीन सर्विक्स एंड वेस्टिब्यूल। कहां पे एग्जिस्ट करेगा मेरे बच्चों? इट लाइज बिटवीन सर्विक्स एंड वेस्टिब्यूल, ये आप लोग को याद रखना है। इट इज गार्डेड बाय अ पार्शियल फोल्ड या फिर पार्शियल मेम्ब्रेनस कवरिंग, जिसको हम हाइमेन कहते हैं, ठीक है, गार्डेड बाय, देखो गार्डेड बाय अ मेम्ब्रेनस फोल्ड, देखो मेम्ब्रेनस, गार्डेड बाय मेम्ब्रेनस फोल्ड, और इसी मेम्ब्रेनस फोल्ड को हम क्या करेंगे? कॉल्ड एज हाइमेन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इसी को कहा जाता है हाइमेन। क्या कहा जाता है? हाइमेन। ये बात अच्छे से याद रखना है बच्चों। अब इसके लेयर में, मतलब इसका जो रीजन होता है, वो वहां पर म्यूकोजल सेल्स की लाइनिंग होती है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वेजाइनल वॉल जो होती है, सिंपल अगर देखेंगे तो वेजाइनल वॉल जो है ये कैसे होती है, ये देखो। तो वेजाइनल वॉल जो है, वॉल ऑफ वजाइना, इसके पास क्या होते हैं बच्चों? वॉल ऑफ वजाइना अगर मैं बात करूं तो उसके पास इनर म्यूकोजल सेल्स होते हैं, ठीक है, मिडल मस्क्यूलर सेल्स होते हैं,
और आउटर जो होंगे वो होंगे नॉन केराटिनाइज्ड सेल, ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड सेल या फिर एडवेंटिशिया लेयर भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। जैसे हमारी स्टेट बोर्ड बोलती है, स्टेट बोर्ड क्या बोलती है कि भाई कितने लेयर्स होते हैं, तो वजाइना के, देखो वॉल ऑफ वजाइना ये तीन टाइप के लेयर से बनी होती है। यहां पे मैं बना देता हूं सबसे पहले, ठीक है, वॉल्स ऑफ वजाइना है, ये कितने लेयर्स की होती है, तो इनर मोस्ट इसका होगा बच्चों म्यूकोजल सेल्स की लेयर। देखो म्यूकोजल सेल्स है ना, किससे बना है भाई, म्यूकोजल सेल्स। उसके बाद कौन सी लेयर हमारे, देखो नेक्स्ट वाली लेयर कौन सी, मस्क्यूलर लेयर है ना, मस्क्यूलर लेयर, मस्क्यूलर लेयर, और लास्ट में, सबसे लास्ट में होती है बच्चों एडवेंटिशिया लेयर, एडवेंटिशिया लेयर, ठीक है, सबसे लास्ट में कौन सी होती है, एडवेंटिशिया लेयर। अब देखो मस्क्यूलर जो, सॉरी म्यूकोजल जो है ये कैसी होती है, सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड होती है और इसमें कोई भी केराटिन नहीं होता है, ठीक है। तो म्यूकोजल सेल्स की जो लेयर होती है ये स्ट्रेटिफाइड होती है, स्ट्रेटिफाइड मतलब एक के ऊपर एक लेयर होंगे इसके, एंड नॉन केराटिनाइज्ड, कैसी होती, नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कैसी होती है, नॉन केराटिनाइज्ड होती है। फिर इसके बाद आप लोग को एक बात याद रखना है बच्चों, वेजाइना को ही हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ कैनल, क्या बोलते हैं, बर्थ कैनल। साथ ही साथ एक बात याद रखना, बर्थ कैनल तो इसको हम बोलते हैं, साथ ही साथ ये कॉप्यूलेटरी पैसेज भी होता है, कॉप्यूलेटरी पैसेज, कौन सा पैसेज होता है ये, इट इज कॉप्यूलेटरी पैसेज, है ना, साथ ही साथ ये कॉप्यूलेटरी पैसेज भी है, ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। फिर इसकी ओपनिंग को देखो, इसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं वेजाइनल ओरिफाइस, क्या बोलेंगे, वेजाइनल ओरिफाइस। तो कहां लिख सकते हैं हम इसको, चलो यहां से लेके जाते हैं यहां तक, इसकी ओपनिंग को क्या बोलूं बच्चों मैं, ओपनिंग, इसकी ओपनिंग को बोलेंगे वेजाइनल, वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है, यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इतना भी लिख दिया आपने, पॉइंट वाइज इतना भी लिखा, देखो जैसे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट मैप के जैसे बनाने की कोशिश की आप लोग के लिए, आपको पूरा एक फॉर्मेट में लिखना है, क्या लिखना है, फॉर्मेट में लिखना है। अब इसको बर्थ कैनल क्यों बोलते हैं, बिकॉज पार्चुरेशन जो है यहां से ही होगा, इसीलिए इसको बर्थ कैनल बोला जाएगा, क्योंकि हम जो भी नया इंडिविजुअल है यहीं से आता है, ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है, जो भी नया इंडिविजुअल है वो यहीं से आएगा और इसीलिए उसको बर्थ कैनल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बर्थ कैनल बोला जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। फिर इसके पास बच्चों एक और चीज देखो, कहां तो ऐड कर सकते हैं हम, हाँ, वॉल ऑफ वजाइना में नो ग्लैंड्स होती, मतलब नो ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, ये याद रखना। और फिर वजाइना का जो पीएच होता है, पीएच हमेशा इसका कैसे होता है, एसिडिक होता है, कैसे होता है, एसिडिक पीएच इसका होता है। तो यहां तक शायद आप लोग को समझ में आ गया रहेगा, है ना। और अगर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझा हो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा से फटाक से जाना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मैं सोच रहा हूँ आप लोग के लिए शॉर्ट लेक्चर्स लेके आना, ताकि आप लोग एक पॉइंट के ऊपर हम लोग ज्यादा डिस्कस कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।